हेलो नमस्कार, मैं आपकी किरण वर्मा फ्रॉम इंडियन लॉ इन्फो। आज हम देखेंगे कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेंट्स कैसे फाइल कर सकते हैं भारत देश में। चलो आगे चलेंगे। तो आज का कंटेंट देखेंगे, वो ये क्या है और लॉस कैसे लिखा हुआ है, एक्ट्स क्या क्या होता है, और फाइल कंप्लेंट फाइल कैसे करते हैं, एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होता है या नहीं, और इस प्रेजेंटेशन के रेफरेंसेस। एक्चुअली ये क्या होता है कि कोई ना कंज्यूमर आप कोई ना लिंक के द्वारा और कोई ना कहीं ना ऑफलाइन या ऑनलाइन में किसी को खरीदता है और उसमें सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो कंज्यूमर एक्ट यूज़ करके वो उसको प्रोडक्ट सकते हैं और उसका पैसे वापस मांगने की इजाज़त होते हैं। तो ये कैसे यूज़ करता है, इसका रिक्वायरमेंट क्या आता है और इसका कैपेसिटी क्या आता है, क्या क्या खरीदने के लिए कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन एक्ट होती है, वो आज यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत सारी लॉस है और एक एक अलग अलग ग्रुप का अलग अलग बिजनेस क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर और सेल्स ऑफ गुड्स यानी परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल का होता है, फूड एंड सेफ्टी यानी पिकल्ड मिनरल गुड्स का होता है, और स्टैंडर्ड वेट मेजर्स हेवी वेट और उसकी जानकारी की होके डेंजरस ड्रग मेडिकल ड्रग्स और आज्ञाकरण की होते हैं, और एग्रीकल्चर यानी फूड फार्मास्यूटिकल्स का होता है, और ये सब स्टैंडर्ड लॉस होते हैं और उसका एक्ट्स। और आप दो तरफ का फाइलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। एक ऑनलाइन को डायरेक्ट लिंक दिया जाता है, उसमें बातें करके आप ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हैं। तो किसी फाइल करने की पहले आपको एक डॉक्यूमेंट लेने की और रिक्वायरमेंट का फिलअप करना पड़ेगा। पहले आपको इनवॉइस खरीदने की इनवॉइस और टैक्स नंबर रखना पड़ेगा, और उसका वारंटी कार्ड आपको पास रखना पड़ेगा, और प्रूफ ऑफ बिलिंग या चेक या क्रेडिट कार्ड के द्वारा परचेज किया तो उसका बिल होना ज़रूरी होता है, और कंपनी से बातें हुई हो, टेलीकॉल लॉग्स भी आपके पास रखना पड़ेगा कि कितना बार कॉल किया, और उसका रिटर्न नोटिस भी भेजना पड़ेगा। ये सब आपको रिक्वायरमेंट्स होते हैं फाइल करने के लिए, और ये सब करने के बाद रखने के बाद आपको फाइल कर सकते हैं। सीधा आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आप सीधा आपके साइन करके आपके पास रखने के बाद दूसरा कंपनी को भेजना पड़ेगा, और नहीं तो सीधा लॉयर हायर करके उसको भी देना पड़ेगा, और इस कंप्लेंट का एफिडेविट नोटरी करना पड़ेगा, और आपकी किसी आइडेंटिटी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी यानी पासपोर्ट और पैन कार्ड और वोटर आईडी एफिलेट में डाल के आपको वर्दी साइन करके नोटरी सील डालना पड़ेगा, और उसके बाद ये आपको नंबर दिया जाएगा कि ये सब आपको 5 टोटल कॉपी रखना पड़ेगा, और एक कंपनी को और एक कोर्ट को एक आपके पास रखना पड़ेगा, और इसके लिए भी लीगल चार्जेस भी आपको पे करना पड़ेगा ड्राफ्ट करने के लिए, और ऐसा सब काम करना पड़ेगा, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके को कॉपी रखना पड़ेगा और कंपनी को भेजना चाहिए कि आपने कहाँ खरीदा है, और एडवोकेट की मैंडेटरी नहीं होते ही कि एडवोकेट की काम है, क्योंकि ये सब काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और एडवोकेट हायर करने के लिए आपको पैसे भी ज़्यादा लगेगा, तो वो भी आपके लिए महंगा भी ज़्यादा हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि लॉयर आने के लिए है कि लॉयर का फीस ज़्यादा होता है, और ये तो 5 दिन का काम है, वो स्पीड अप जल्दी हो जाएगा और आपका केस भी डिफेंड हो सकता है, पर एडवोकेट के बिना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं चलता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन फाइल करने की
सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या प्रेफर करना है, क्या क्या चाहिए। ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉयर को सब सब पता होता है। उसके लिए लॉयर, ज़्यादा लोग लॉयर को हायर करते हैं और कुछ ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं। ये है आपको कैसे फाइल करने का प्रेजेंटेशन। 12 देश में आपको कैसे फाइल करना होगा कंज्यूमर कोर्ट में, और इसका वीडियो का रेफरेंसेस। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए शुक्र है। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आए आप कैसे कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद, और दूसरा वीडियो में ज़रूर देखेंगे। मेरा नाम किरण वर्मा, इंडियन लॉ एनफोर्स से। शुक्रिया।